इंडियन रोटी बैंक का सपना भूखा ना कोई रहे अपना। पूर्व दिल्ली इंडियन रोटी बैंक दिल्ली एनसीआर यूनिट ने आज इंडियन रोटी बैंक के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी नीरज अवस्थी व प्रदेश की महिला कोऑर्डिनेटर शक्ति शुक्ला के नेतृत्व में मयूर विहार के पेपर मार्केट में नन्हे मुन्ने बच्चों को भोजन वितरण कार्यक्रम रखा। इस मौके पर इस जोन के कोऑर्डिनेटर साहिल शर्मा, मोनिका चौधरी, रेणु सिंह, संगीता पोल, संजीव भदौरिया, मनोज कटारिया, विशांक शर्मा सहित रोटी बैंक के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश कोऑर्डिनेटर शक्ति शुक्ला ने कहा कि भविष्य में भी ऐसा आयोजन करते रहेंगे और दिल्ली में इंडियन रोटी बैंक अब बेहद स्तर पर अभियान चलाकर भूखा ना सोए कोई कहावत को साकार करेगा और लगातार जो भोजन वितरण का काम है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भोजन वितरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है रोटी बैंक के द्वारा। लगातार रोटी बैंक का ये कहना है कि कोई ना सोए भूखा और इसी नारे को लेकर लगातार रोटी बैंक जो है लोगों को खाना वितरण कर रहा है। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। रोटी बैंक का सपना भूखा ना सोए कोई अपना। रोटी बैंक का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने गरीब बच्चे और भूखे लोगों को हमारी तरफ से खाने का वितरण हो। और मैं सब मोस्टली जनता से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में थोड़ा सा खाना बच भी जाता है या एक्स्ट्रा होता है तो प्लीज़ उसे फेंकें मत, उन्हें इन ऐसी झुग्गी झोपड़ियों के सब में वितरण करें जिससे कोई भी भूखा ना रहे। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी दिल्ली की टीम और हमारा दिल्ली का कार्यक्रम थोड़ा सा बीच में स्लो हो गया था, अब हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आगामी हमारा जो प्रोग्राम हो वो अच्छा हो और हम दिल्ली की टीम और हम सब मिलकर उस आगामी प्रोग्राम को एक अच्छा और ग्रैंड बनाने की कोशिश करेंगे। इतनी ही कोशिश हमारी है। रोटी बैंक का सपना भूखा ना सो कोई अपना।